नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड के बाद होने वाले सडन और मैसिव हेयर फॉल का। क्या आप भी ये नोटिस कर रहे हैं कि कोविड से ठीक होने के कुछ महीनों के उपरांत आपके बाल गुच्छों में निकल रहे हैं? जब आप बालों में हाथ डालें तो बालों का एक गुच्छा हाथ में है। क्या हर तरफ आपके फर्श पर, बिस्तर पर, तकिए पर बाल ही बाल हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है आप पोस्ट कोविड हेयर फॉल से पीड़ित हैं। इसे बोलते हैं एक्यूट टिलोजन एफ्लुविया। हमने अपनी पिछली YouTube वीडियो में भी बात की थी कि बाल जहां से बनते हैं वो चमड़ी के काफी अंदर डर्मल पैपिला है। इस डर्मल पैपिला की सप्लाई आप ही के ब्लड वेसल से होती है। दैट मींस आपकी बॉडी में जो भी प्रतिदिन घटता है उसकी इंफॉर्मेशन आपके बालों की रूट को जाती है। कोविड एक बहुत ही बुरा सा बुखार है जो हर सिस्टम को झिंझोड़ता है। कोविड होने के टाइम आपके बालों के डर्मल पैपिला को भी वो स्ट्रेस सिग्नल जाता है। हमने ये भी बात की थी कि डर्मल पैपिला से ग्रो करने के लिए बालों को 2 या 3 वर्ष लगते हैं, जिसको हम एनाजन या ग्रोथ फेज कहते हैं। उसके बाद बाल आपके रूट में सिर्फ 1 महीना रहता है और फिर 3 महीने तक डेड जड़ में पड़ा रहता है और उसके बाद वो गिरता है और उसकी जगह नया बाल आता है। तो जब आपको कोविड बुखार हुआ उसी समय आपके बाल जो हैं नॉर्मली 80% तक बाल ग्रो करते हैं, 10% तक गिरते हैं, पर कोविड होने के टाइम वो 80% इमीडिएटली स्ट्रेस में आकर हेयर ने 50% कर दिया। तो क्या हुआ कि अब ग्रोथ फेज में 50 हैं और टिलोजन फेज में 50% हैं, जो कि बीमारी के 2 या 3 महीने के बाद गुच्छों में निकल रहे हैं। इस फेनोमेनन को बोलते हैं एक्यूट टिलोजन एफ्लुवियम। अगर हम इसका इलाज ना भी करें तो भी ये 2 या 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप थम जाएगा। फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा डरिए नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक ना करें, तुरंत ही अपने समीप इस किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको खाने के लिए कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और लगाने के लिए ऐसी दवाई दे सकते हैं जो कि इस हेयर फॉल को थोड़ा कम करेगी। दोस्तों, इस पोस्ट कोविड हेयर फॉल से डरे नहीं, इससे निडर होकर मुकाबला करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लें। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना है या आपका कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। नमस्कार।